गाइस फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पे आपको बहुत जल्दी सेल देखने मिलेंगे, बिग बिलियन डे सेल और अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। ये गाइस पूरे ईयर के सबसे बड़े सेल होते हैं, हम सबको पता है। इस समय पे आपको कौन से लैपटॉप खरीदने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। वैसे हर एक सेगमेंट कवर करने वाले हैं, 25,000 रुपीज़ से लेके ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ तक। सो आपको जो भी प्राइस में लैपटॉप खरीदना है, हर प्राइस के वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली 40,000 रुपीज़ से लेके 50,000 रुपीज़ के बीच में जितने सारे लैपटॉप्स अवेलेबल है, स्पेशली BBD में आपको चेकआउट करने चाहिए, उसी के बारे में बात करेंगे। अब गाइस बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है अबाउट शाओमी लैपटॉप, सो शाओमी के लैपटॉप से ही शुरुआत करते हैं। शाओमी नोटबुक अल्ट्रा मैक्स, ये लैपटॉप गाइस ऑलमोस्ट 49,000 प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। सो इस लैपटॉप में जो प्रोसेसर देखने मिलता है वो i5-11-320H है। सो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, एच सीरीज़ का ये प्रोसेसर। एट द सेम टाइम इस लैपटॉप में जो बाकी फीचर्स देखने मिलते हैं ये गेम चेंजर है। यानी कि 16 GB की प्री इंस्टॉल रैम देखने मिलती है, इसे आप अपग्रेड नहीं कर सकते, बट 16 GB सफिशियंट है प्रोसेसर के हिसाब से और प्राइस पॉइंट के हिसाब से। DDR4 रैम है ये, 512 GB की SSD देखने मिलती है, इसे आप फर्दर अपग्रेड कर सकते हो। अब इस लैपटॉप में आपको जो एडिशनल फीचर्स देखने मिलते हैं वो है, पूरे लैपटॉप में आपको जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी देखने मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर लैपटॉप्स। यानी पूरा लैपटॉप मेटल बिल्ड में आता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रेजेंट है, बैकलिट कीबोर्ड प्रेजेंट है और गाइस इसमें MS ऑफिस भी देखने मिलता है। जो ऑनर के लैपटॉप्स है ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन आपको डिलीवर कर देते हैं, प्रोसेसर वहाँ पर भी अच्छे देखने मिलता है और बाकी सारे एडिशनल फीचर्स भी अच्छे होते हैं ऑनर के लैपटॉप में, बट आपको MS ऑफिस नहीं देखने मिलता वो लैपटॉप में। सो शाओमी आपको MS ऑफिस भी प्रोवाइड कर रही है और जो डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है शाओमी की ओर से वो भी गाइस काफ़ी लाजवाब है। 3.2K रेजोल्यूशन का ये डिस्प्ले है, 15.6 inches का, 100% sRGB कलर गैमेट और 300 निट्स की ब्राइटनेस, 90Hz का रिफ्रेश रेट। सो डिस्प्ले के मामले में नो डाउट काफी अच्छा लैपटॉप है ये। इंटेल आईरिस एक्सी के ग्राफिक्स देखने मिलते हैं, MS Office 2021 का सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम देखने मिलता है और सारे पोर्ट्स प्रेजेंट है, प्लस आपको 8 घंटे का बैटरी बैकअप भी प्रोवाइड करता है ये लैपटॉप। परफेक्ट बाय है, 48-49,000 पे खरीद सकते हो, परफेक्ट लैपटॉप है। अब सेल के पहले अगर ये 45,000 रुपीज़ में आ जाता है या फिर कोई भी लैपटॉप की प्राइस वैसे ड्रॉप हो जाती है तो हम पोस्ट करके बता देते हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करना। और 40,000 रुपीज़ के अराउंड दो लैपटॉप बताना चाहेंगे जो आप खरीद सकते हो। सबसे पहला लैपटॉप है HP 15S, इसमें आपको जो प्रोसेसर देखने मिलता है वो i3-1215U है। अब इसका 1315U वेरिएंट भी अवेलेबल है मार्केट में, बट सेल के दौरान 1315U की प्राइस ज़्यादा कम नहीं होगी। 12 जनरेशन प्रोसेसर काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट पे देखने मिल सकते हैं। गाइस ये 15S है, इसमें 14-inch स्क्रीन साइज के साथ भी लैपटॉप आता है, वो लैपटॉप आपको 40,000 रुपीज़ में देखने मिले तो खरीद सकते हो, काफ़ी अच्छी डील है। वहीं पर 1215U की बात करें तो ये लैपटॉप आपको अगर 42,000 में देखने मिले तो खरीद सकते हो। सेल के दौरान अगेन 41-42,000 में ये लैपटॉप देखने मिलेगा। 6 कोर का ये CPU है, 8 GB की DDR4 रैम देखने मिलती है, अपग्रेडेबल है, फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो। 512 GB की SSD है, अपग्रेडेबल है ये भी। डिस्प्ले यहाँ पर 15.6 inches का FHD देखने मिलता है और इंटेल की USD ग्राफिक्स, MS Office 2021 का सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम देखने मिल जाता है और 7-8 घंटे ये लैपटॉप बैटरी बैकअप दे देता है। अब जो 15 inches का लैपटॉप है वो 1.6 kg वे करता है, काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। अब जिन्हें भी थोड़ा हैवी प्रोसेसर चाहिए वो गाइस 40-42,000 प्राइस पॉइंट पे ASUS YOBOOK 15 खरीद सकते हो। i3-1220P प्रोसेसर है, ये CPU भी काफ़ी अच्छा है, 10 कोर 12 थ्रेड ये फीचर करता है और वन ऑफ द बेस्ट CPU है इस प्राइस पॉइंट पे। बट ये जो लैपटॉप है वो ज़्यादा टाइम अनअवेलेबल ही रहता है, सो आपको अगर ये 41-42,000 रुपीज़ में अवेलेबल देखने मिले तो डेफिनेटली खरीद सकते हो। अब गाइस 50,000 सेगमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर भी 2-3 लैपटॉप बताना चाहेंगे जो सेल के दौरान काफ़ी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने वाले हैं। सबसे पहला लैपटॉप है ऑनर मैजिक बुक X60, इसमें वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर आपको देखने मिल जाएगा i5-12-450H, गेमिंग प्रोसेसर है ये, 8 कोर 12 थ्रेड ये फीचर करता है और ये ऑलमोस्ट 49,999 के प्राइस पॉइंट पे सेल के दौरान आपको मिल जाना चाहिए। नॉर्मल डेज में ये लैपटॉप 16 GB रैम वेरिएंट के साथ ऑलमोस्ट 52-53,000 रुपीज़ में ट्रेड करता है। 16 GB के LPDDR4X रैम दी गई है, अपग्रेड तो नहीं कर सकते, यहाँ पर सोल्डेड रैम आती है इन लैपटॉप में। 512 GB की SSD है, इसे अपग्रेड कर सकते हो। गाइस इसमें जो डिस्प्ले दिया गया काफ़ी अच्छा है, 16 inches का IPS पैनल है, 300 निट्स की ब्राइटनेस है, 100% sRGB कलर गैमेट और एंटी ग्लेयर पैनल है, और 5-6 घंटे का बैटरी बैकअप आराम से प्रोवाइड करा देता है। अब ये जो लैपटॉप है इसमें भी आपको शाओमी की तरह ही मेटल बिल्ड देखने मिलती है, बैकलिट कीबोर्ड देखने मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने मिलता है, MS Office का सब्सक्रिप्शन आपको लाइफ टाइम नहीं मिलता, ट्रायल बेसिस पे देखने मिलता है, ये एक चीज़ है। बाकी सारी चीज़ें परफेक्ट है, फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। ये लैपटॉप 50,000 रुपीज़ में आपको अगर देखने मिले तो ग्रेट डील है। अब लिस्ट का जो अगला लैपटॉप है ये ऑलमोस्ट अनअवेलेबल ही रहता है, सो ये लैपटॉप आपको अगर 47,000 रुपीज़ में देखने मिले तो खरीद सकते हो। इसका नाम है ASUS YOBOOK 16X।
प्रोसेसर इसमें भी काफी अच्छा देखने मिलता है, राइजन 5 5600H। 6 और 12 थ्रेड ये फीचर करता है और गाइस एच सीरीज का प्रोसेसर है तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस अच्छी निकाल के देता है। बैटरी लाइफ भी इस लैपटॉप की डिसेंट देखने मिलती है। लो सेटिंग पे आप अच्छे खासे गेम्स भी खेल सकते हो, AAA टाइटल्स भी गेम खेल सकते हो इस लैपटॉप में, बट प्रोफेशनल वर्क के साथ थोड़ी गेमिंग करनी है तो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है। डिस्प्ले की बात करें तो अच्छे क्वालिटी का डिस्प्ले दिया गया है, 16 इंचेस का WXGA पैनल है, यानी नॉर्मल फुल एचडी रेजोल्यूशन के पैनल होते हैं उससे थोड़े से अच्छी क्वालिटी के पैनल रहता है WXGA पैनल। वैसे 512GB की SSD है, इसे भी एक्सपांड कर सकते हो। और गाइस इस लैपटॉप का जो वेट है वो ऑलमोस्ट 1.8 kg है। परफेक्ट परचेस होगा ये एट 47,000 rupees। सेल के दौरान इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 46-47,000 ही देखने मिलेगी। अभी भी ये अपने लिस्ट प्राइस पे ही चल रहा है, सो जिन्हें भी ये लैपटॉप खरीदना है डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। अब लिस्ट का जो लास्ट लैपटॉप है ये 50,000 से थोड़ा सा एक्सीड हो जाता है, बट ये लैपटॉप आपको अगर 54,000 rupees में देखने मिले तो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। नॉर्मल डेज में इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 56,000 rupees के अराउंड होती है। इसका नाम है HP 15S। इसमें जो प्रोसेसर देखने मिलता है वो i5-1235U है। काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है ये और बेस्ट सेलिंग है ये लैपटॉप, बहुत सारी यूनिट्स इसके बिके हैं आप देख सकते हो। 8GB की DDR4 RAM देखने मिलती है, 8GB और एक्सपांड कर सकते हो। 512GB की SSD है, इसे भी बढ़ा सकते हो। इंटेल आरी सेक्सी के ग्राफिक्स देखने मिलते हैं, बैकलिट कीबोर्ड इस लैपटॉप में प्रेजेंट है, MS ऑफिस भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है और ट्रस्टेड ब्रांड की ओर से आ रहा है ये लैपटॉप, डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। काफ़ी अच्छा लैपटॉप है ये HP की ओर से। सो ये थे वो सारे लैपटॉप जिन पे आपको नज़र रखनी चाहिए इन BBD सेल, आपको अगर लैपटॉप खरीदना है अंडर 50,000 rupees। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना।